हेलो फ्रेंड, टाटा स्टील BSL के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। और मैंने पहले भी भाई कई बार वीडियो बना दी, तब आप लोग मुझे ट्रोल करते रहते हो कि भाई ये इतना जाएगा, उतना जाएगा, उतना जाएगा, ये जाएगा, वो करेगा। मैंने पहले ही बता रखा कि भाई इसका रेजिस्टेंस आ रखा है 108-109 रुपये के आसपास, और वहाँ पर काफ़ी बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहाँ से वापस आ रहा है। मैं कहता जा रहा हूँ कि भाई टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते जाइए। आपका जो प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो वही आपका प्रॉफिट होता है, बाकी सब सपना होता है। अगर आप प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया और वापस नीचे एक डाउन ट्रेंड में चला गया ये स्टॉक, तो आपका प्रॉफिट रखा का रखा रह जाएगा। और टाइम टू टाइम मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ये तो किसी को भी नहीं पता। लोग भाई टारगेट देते रहते हैं अपना यूट्यूब चैनल वाले कि भाई इतना 200 पला चला जाएगा, फलाना 250 चला जाएगा, किसी को नहीं पता कितना जाएगा। ये सब भाई एक लोगों को मिसगाइड करने की चीज़ें हैं। बाकी क्या जाएगा, कब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। आप भाई टाइम टू टाइम पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहें, जिससे कि भाई आपको खतरा बना बना हुआ हो तो खतरा ना बना रहे आपका। आप मैं सोचता हूँ कि भाई शायद आप लोग फंसे ना, रिटेल इन्वेस्टर सेफ रहे। तो मैं फिर से कहता हूँ कि भाई आप अपना पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर इसके आसपास कहीं भी खरीदें मत, क्योंकि भाई आप खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि पता नहीं, अगर मार्केट आपको पता है 15,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रही है और वहाँ से फिर नीचे आ गई, और मार्केट जैसे मैंने बताया जिस दिन मार्केट डाउन होगी उस दिन भैया ये भी गिरेगा, और 2-2, 3-3%, 4% गिरेगा, और वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने बताया है। तो आपको जो करना है भाई कर लेना, मैंने आपको बता दिया है, गाइड कर दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और RSI भाई पहले से वीक हुई है, 74 की हो गई, पहले ओवरबोट हो गई थी। तो टाइम टू टाइम भाई पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहिए ऐसे स्टॉक पे, कोई पता नहीं, साइक्लिक स्टॉक हैं तो रिस्क तो रहता ही है इसमें। और अगर भाई ऊपर के दामों में फंसे हुए हैं तो वेट करिए, किसी दिन मौका मिलेगा तो भाई जिस दिन मार्केट भागेगी तो उस दिन भी पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और भाई अगर आपके पास नीचे की लेवल पे ख़रीदा हुआ है तो मैंने कहा पार्शली प्रॉफिट बुक कर लो, और उसके बाद भाई उसको जो कुछ क्वांटिटी है उनको छोड़ दो। आगे पता नहीं लेवल कहाँ तक जाएगा, जाएगा तो ठीक है, नहीं नीचे आ जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बुक कर लिया था ना आपने, तो भाई टेंशन तो नहीं रहेगी। और बाकी भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिटेल वाली वीडियो भी मैंने डाल रखी है उसको देख लेना एक बार, मैंने जो बताया था। और बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भाई दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।